पुलिस अभी रक्षा में जनपद पहुंची है, जिसके बाद सीएमओ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। टीकाकरण के नियमित संचालन हेतु भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में 14 जनवरी की देर शाम आगरा मंडलीय वैक्सीन डिपो से पुलिस अभिरक्षा में कोविड वैक्सीन की 8,700 डोज आपूर्ति की जा चुकी है। 16 जनवरी को जनपद के 3 सत्रों पर बने वार्ड जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचेला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जागी राष्ट्रीय टीकाकरण का शुभारम्भ किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी कर ली गई हैं और पूरी सुरक्षा के एहतियात के साथ इस राष्ट्रीय टीकाकरण का शुभारंभ कराया जाएगा। वैक्सीन जनपद के कोल्ड चेन में पहुंच चुकी है। इस वैश्विक महामारी की रोकथाम में कोल्ड में वैक्सीन रखे जाने के समय वैक्सीन वाहन के आने पर वैक्सीन वाहन पर पुष्प वर्षा भी की गई, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पांडे की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस के सामने उन्होंने वैक्सीन आने की जानकारी दी और पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में किन किन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, इसके बारे में भी जानकारी दी। तो हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय 317 बिठा गए हैं, 6-7 और बढ़ा दिए हैं। 317 स्थानों पर इस समय 17 वैक्सीन दिया जाएगा, जिसमें से मैनपुरी जनपद में 3 जगह दी जाएंगे जहाँ पर सत्र लगेगा और